गुमनाम है कोई, अब अच्छा यूटिलाइज होगा नहीं बर्थडे कैंडल्स का। क्या ही इतने पिदंकी से हैं पूरे। पिदंकी मुझे लगता था कि आप शाये हो यार, कैमरा बचा के रखा था मैंने, वो दिखता है इम्प्रूवमेंट आपका जैसे पहले वाले से। हाँ अभी वही है पता नहीं। ये देखो आप कैमरे में बोल रही हैं। सुनाई दे रही होगी आपको, हो रही है घमासान वाली बारिश, एकदम ताबम तोड़ वाली बारिश हो रही है। अभी मैं गया था नीचे कुछ काम से और मतलब ऑलमोस्ट भींगते भींगते बच गया, बट जो भी है वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वैसे तो कुछ काम है नहीं, अपना ऑफिस का काम चल रहा है, आज है फ्राइडे तो फ्राइडे वाइब्स भी वैसे ही है, बट पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दिन है, क्या रात है, क्या फ्राइडे है, क्या संडे है, क्या सैटरडे है। मतलब रोज ही मुझे तो एक ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है अब तो। मतलब लिटरली बोर हो चुका हूँ घर पे बैठे बैठे, बट ऑब्वियसली कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इन्हीं कुछ ऐसा है कि बाहर भी नहीं जा पा रहे, सही से कहीं बुक नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इतने सब चीज़ों की वजह से और भी इधर उधर जाना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि वीकेंड आ रहा है और पेरेंट्स के साथ हैं। सो गाइस मैं तो कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, नहीं है ये फ्रूट फ्रूट फर्स्ट कुछ तो है पता नहीं, अभी मैं फ्रूट का टाइम है मेरे कि ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गई थी, चाय वगैरह हो गया था, सुबह उठ गए थे हम लोग, बट वही है कि अभी करता हूँ फ्रूट वगैरह। तो गाइस ये आवाज़ सुन सकते हो, ये आवाज़ तो बोला ही था कि आने वाला है ये आवाज़, पता नहीं किस तरीके का मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, मेरे से तो ज़्यादा जोर ये वाली आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सारे लोग, बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए भयानक। और हम जहाँ पे है ना वॉक करने आते रन करने आते वो वाले ग्राउंड पे आ गए, लेकिन कितना ही कीचड़ हो रहा है यहाँ पे कि गाड़ी भी फोर व्हीलर भी स्लिप हो रही है इधर उधर। तो अब हम वापस मेन रोड की तरफ ही जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं अगर शायद बारिश में कोई मोर बाहर निकल के आ जाए दिख जाए। ये देखिए फाइनली हम मेन रोड पे आ गए। वाह भाभी आ जाओ आ जाओ, नहीं दिखने वाला। भाभी वो छाता लेके कहाँ कीचड़ में जाने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है वो जंगल के अंदर उधर, उस दिन जहाँ हम लोग गए थे ना उस जंगल के अंदर, वहाँ जाने के लिए सोच रही है। भाभी को मिला नहीं मोर, भैया भी उनके पीछे बाद में गए थे, कैमरा लेकर गए थे। मिट्टू को दिखा क्या मोर? कब दिखा? नहीं। ओह नो सो सैड। तो अब हम फाइनली बारिश में, हमारा एक ट्रिप हो गया, ट्रिप क्या एक राउंड हो गया है और हम गर्मा गर्म पी रहे हैं। बहुत पसंद है। क्या हो गया है? हम रनिंग करके हम टायर्ड हो सकते हैं। रनिंग करके टायर्ड हो गए हो? हाँ। और पीकॉक, क्या पीकॉक देखने में अच्छा लगता है आपको? लेकिन हाँ मुझे भी पिक्चर देखना है। फिर मिल नहीं रहा। कल मेरे साथ मजाक कर रहा था। कौन? पीकॉक हमारे साथ। आवाज आ रहा था नहीं आ रहा था इसलिए पीकॉक उसके साथ मजाक कर रहा था। हाउ सैड। गाइस हो गया है अपना लंच, अभी हाल ये है कि बारिश तो बहुत तेजी से हो रही है और अपना ऑफिस का काम तो है चालू, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे आपको बंद नजर आ रही है, इसलिए बंद है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो हम लोग बच में बोलते हैं लोड शेडिंग तो बोल नहीं पाए थे, लोड शेडिंग बोलते थे जब समझ में नहीं आती थी क्या होता था लोड शेडिंग, जब लाइट चली जाती है तो लोड शेडिंग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे जो एरिया है जमशेदपुर में टाटा में सब लोड शेडिंग बोलते हैं, समझ में आती नहीं थी, अभी समझ में आ रही है कि उसको लोड शेडिंग बोलते हैं, मतलब लोड जो है वो ले नहीं पा रही है। अभी तो वही हाल है, अपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट चला रहा हूँ, 2 घंटे हो गए ऑलरेडी, हो गए हैं 4 घंटे या 4 घंटे से लाइट वगैरह कुछ आ नहीं रही है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। मतलब कितना आप ये हवा खाओगे और ये देखोगे अब अच्छा नहीं लग रहा है। काम तो हुआ नहीं कंप्लीट, अभी बज रहे हैं 6, हुआ ये ट्रेजेडी कि अपना लैपटॉप पूरा ड्रेन आउट हो गया कंप्लीटली, कुछ भी नहीं चल रहा है, इसमें बैटरी नहीं, इसमें बैटरी नहीं है, ये तो बंद ही था। तो बन रहा है साबूदाने का पापड़ स्नैक्स में और इसके साथ अभी चाय, वाह सुपर हेल्दी चीज खा रही है अभी हम। अरे गरम 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 गरम, कितनी कैलोरीज जा रही है। मूड आज किसी का भी अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो लाइट नहीं है, दूसरी है कि बारिश होते जा रही है। फिर तो हम खत्म करते हैं चाय, अभी सिर्फ गपशप चल रही है घर पे, हम बातचीत कर लेते हैं। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑफिस का काम भी नहीं हुआ, भैया आए थे नीचे अब जा रहे हैं। 7 और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है, तो पीछे देखो क्या अंधेरा है, एक तो बाहर का मौसम ऐसा और ऊपर से अंधेरा, मतलब आज टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, सब फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है किसी को, स्पेशली अर्पिता तो वहाँ सो गई यहाँ पे, तो भी हम बोल रही है कि ले चलो कहीं, तो कहाँ लेके चले यार इतनी बारिश में, उसको पापा के दांत में हो रहा है बहुत ज्यादा पेन साइड पे, तो एक फिटकिरी होता है, फिटकिरी क्या बोलते हैं, फिटकिरी हम लोग बोलते हैं, फिटकिरी बंगाली में, तो क्या बोलते क्या पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, अलम अलम तो पता है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फिटकिरी बोलते हैं हिंदी में।
सारे लैपटॉप्स पहले तो चार्ज कर लेता हूँ। स्नेक बिल बिल घुमा दिया, अभी टेंशन में ढूंढ रही है। तो वापस से लाइट चली गई है, तो आज तो ऑफिस का काम ये करने नहीं देगा लग रहा है। मैं भी नहीं करने दूंगी अब तो। अब तो फ्राइडे भी है, ऑफिस का काम बहुत बचा हुआ था, अब देख सकते हो सब खोल के मैं बैठा था। ये लाइट के चक्कर में आज कुछ काम नहीं हो पाएगा। अब तो वो जमाना भी चला गया, वो कैंडल रखने वाला। लोग घर पे कैंडल भी नहीं रखते, हम लोग भी नहीं रखते थे कैंडल के लिए। रखते हैं तुम्हारे बर्थडे के लिए। बर्थडे कैंडल जलाएंगे अभी हम लोग, ये सही आइडिया है। गाइस हम बनाने वाले हैं बर्थडे, क्योंकि अब चलने वाला है बर्थडे वाले कैंडल्स। अब अच्छा यूटिलाइज होगा नहीं बर्थडे कैंडल्स का। क्या ही इतने पिदांकी से हैं पूरा। पिदांकी ये माचिस भी जल नहीं रहा है। इसके बाद से सिर्फ आपको वॉइस सुनाई देगी, सब चीजें तो डार्क है। क्या ये जल नहीं रहा क्या? बोल तो रही हूं, माचिस भी सीट गया कुछ। चलो गैस से जलाते हैं। ओहो जला और बंद हो गया। देखो एक ये कैंडल है, ये कैंडल एक मिला, बहुत बढ़िया। गुमनाम है कोई बिल्कुल वैसे ही आ रहा है फुटेज। बदनाम है कोई क्या? आग से मत खेलो भाई। क्या नजर आ रही नजर आ रही है, बस यही हालत है। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्या करें। हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, खाली केक नहीं है बाकी सब है। Happy birthday to you, happy birthday to you. हल्की फुल्की तो बाहर में भी लाइट है, बट द सीन ये है कि बचपन में लाइट्स हमारे घर पे तो बहुत ज्यादा जाती नहीं थी, बट स्टोरीज हम लोग सुनते थे तो बहुत ज्यादा लाइट जाती थी आस पड़ोस में, बट हमारे घर पे नहीं था क्योंकि हमारा टाटा का कनेक्शन था। टाटा मतलब कंपनी है, हम लोग टाटा स्टील में रहते थे, जमशेदपुर में रहते थे, तो वहाँ पे वो लाइट वाइट की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। घर पे शुरू है अपना जिम, तो हल्का फुल्का वर्कआउट मैं कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। लाइट आ गई अच्छी बात होगी, पर ऑफिस का काम बजवा नहीं तो यही कर लेता हूँ। ये आज इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा, तो इसी को खत्म करते हैं। और तो फिर इतने दिनों बाद कर रहा हूँ वेट, मतलब आज तो थक जा रहा हूँ, बस 10 kg है, उसी में हालत खराब हो रही है, बट वही है, शुरू करता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो सही होगा। क्या हालत है, वापस से अपनी लाइट जा चुकी है। अरे यार आज तो पूरा दिमाग खराब करके रखा है इस लाइट ने। सुना ऑफिस का काम करने दिया, न घर का काम करने दे रहा है, न एक्सरसाइज करने दे रहा है। सो गाइस हो गया है फाइनली, लाइट भी आ गई है, मेरा जिम भी ऑलमोस्ट हो गया है, आज के जितने एक्सरसाइज थे। तो अभी तो मैं करने वाला हूँ, आज बेसिकली नया शुरू किया है तो ऑब्वियसली सारे एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, तो अगर कंटिन्यू कर पाऊँ वो है डिस्क्लेमर, तो होपफुली कर पाऊँगा। बट अभी के लिए जो लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो है प्लैंक्स, तो देखते हैं कितने देर प्लैंक्स का ये कर सकता हूँ। स्क्रीन पे टाइमर है तो मुझे समझ में आ रहा है ईजी नहीं है, कैमरे पर अच्छा लगना ईजी नहीं है, और ये प्लैंक्स तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और जो है वो थोड़ा सा अच्छा बिल्ड होता है अगर रेगुलरली प्लैंक्स कर सका तो, बट प्रॉब्लम ये कि रेगुलरली हो नहीं पाती है। बट जो भी है ट्राई करने में क्या जाता है, जब भी हो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ। सो 50 seconds पहली बार, वापस सारी बार करता हूँ ट्राई। एम है कि एटलीस्ट 1 मिनट पहले तो मैं कर लेता था, बट अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है कि बहुत दिन बात कर रहा हूँ। हो गया है आज का एक्सरसाइज खत्म, एटलीस्ट 30-40 minutes तो हुआ आज, थोड़ी बहुत ही सही बट एटलीस्ट अच्छा लग रहा है अंदर से कि चलो यार एटलीस्ट थोड़ा सा वार्म अप हुआ, बॉडी को भी रिलैक्स लग रहा है। आज मतलब सुबह से इतना डिप्रेसिंग लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ऑफिस के काम कर रहा हूँ तो लाइट जा रही है, ऑफिस काम जैसे तैसे करके कर रहा था, और फिर उसके बाद ही इतनी बारिश हो रही थी, मतलब वेदर का पता नहीं चल रहा था, और अभी वापस से लाइट गई थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट अभी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करके थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, होता है सबके साथ होता है, कभी कभी ऐसा मूड अप डाउन होता है। करने वाला हूँ डिनर, अभी कम्प्लीटली पॉजिटिव लगने लगा है। तो गाइस आज क्या बन रहा है, आज बन रहा है गोभी के पराठे। तो आज तो सुबह से ही चल रहा था गोभी के पराठे और रायता, मतलब एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट ये खाना अच्छा है, मतलब एटलीस्ट एक्सरसाइज से जितना कैलोरीज बर्न हुआ है वापस से ये अंदर आ जाएगी, बट ठीक है मतलब ठंड का टाइम है तो उतनी, और इसके साथ है रायता तो मज़ा ही आने वाला है। आ
और नहीं जलाना चाहिए, इसको स्पेयर में रखना चाहिए, जब ये बुझ जाएंगे तब हम। और देखो मैंने प्लेट में जलाया ताकि हम इसको ले जाकर कैसे घुमा सके ना।